पाली जिले में मोबाइल टावर में बैटरी चुराने वाली गेम का सरगना नगर परिषद चुनाव में पार्षद उम्मीदवार निकला। उसने महिलाओं के साथ मिलकर चोरी करने के लिए गैंग बनाया। जिले के कई जगह पर मोबाइल टावर में लगी बैटरी चुराने की वारदात को कबूल किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान चार महिलाओं समेत मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई और कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया। जांच अधिकारी ने बताया कि पाली निवासी रवि कुमार खटीक, जिसने हाल में ही पार्षद के लिए उम्मीदवार के लिए चुनाव भी लड़ा था और महिलाओं को अपने गैंग में शामिल कर दिन भर कार में घूमकर रेकी करता था, सुनसान जगह जाकर घटना को अंजाम देता था, रात को चुराकर वह माल सुबह कबाड़ी के गोदाम में रखता था। कार में महिलाओं के साथ घूमने से किसी को भी शक नहीं होता था। हाउसिंग बोर्ड से लेकर सूरज पोल तक लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे में जांच करते हुए उन्हें कार में घूमते पाया गया। पाली निवासी रवि खटीक पुत्र पंचम चंदेल, नया गांव निकासी बसंती पत्नी पप्पू राम, साहसी कमला पत्नी पप्पू राम, पिंकी पत्नी मोहन राम, गीता पत्नी रवि कुमार, इन सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उन्होंने मोबाइल टावर में लगी 24 बैटरी को चुराने की वारदात कबूली। पुलिस द्वारा इन पांचों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में राज खोलने वाली टीम में सदस्य हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी गोविंदलाल चरण, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह, गौरव सिंह, रतन सिंह, कांस्टेबल दिनेश कुमार, चेतना राम, राजेंद्र कुमार, हरि मोहन राजू को अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के लिए इनाम देने की घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुकेश राजा, पाली, मारवाड़। 25 की देरमानी रात्रि में ये जो मोबाइल के टावर लगे हुए हैं, इसके अंदर जो बैटरी होती है ये कीमती होती है, तो लगातार दो बार होने से फिर मेरे चौकी स्टाफ के और एक टीम गठित की और इसके बीच बिजली का फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे, जिसमें एक संदिग्ध गाड़ी हमें रात में दिखी, उसका फिर हमने पता किया टीम गठित करके। ये गाड़ी महाराष्ट्र पासिंग है, जिसके नंबर है MH12CY3815। ये महाराष्ट्र पासिंग है, इंडिगो गाड़ी है। इसमें ये रवि खटकी कटीक है जो ये कबड्डी का काम करता है, ये नए गांव से 4-5 सांसनिया को लेकर गाड़ी में रेकी करता है और सुबह 4-4:30 बजे के बाद में ये चोरी की वारदात को अंजाम देता है। हमारी टीम ने श्रीमान SP साहब आनंद शर्मा साहब, वार्ड में SP रमेश जी और CO साहब श्री नारायण जी और हमारे SO साहब सभी सिंह ने इनको गंभीरता से लिया और मुझे इसकी कमान सौंप भी किया और माल भी बरामद कर लिया है और इनसे अन्य वारदातें और भी खुलने की संभावना है, अभी तफ्तीश जारी है।